राहुल गांधी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बयान दिया, कहा कि कांग्रेस राज में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और इसी के साथ उन्होंने कहा, राहुल कहीं ना कहीं चुनाव के बीच ये दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं, जबकि देश के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है और किसानों का है। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि पीएम मोदी लगातार जनता को भटका रहे हैं। यहां पर फिर से उन्होंने एक बार ये कहा कि चौकीदार चोर है। इसके अलावा राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर भी पीएम मोदी पर और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस राज में भी कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है। तो राहुल बीच चुनावों में यह दावा क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है कि यूपीए के वक्त भी स्ट्राइक हुई होगी? यह हमारे आज के सवाल है। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया उस वक्त ब्यौरा? क्या मोदी को पछाड़ने के लिए किया जा रहा है ये दावा? तो राहुल गांधी ने ताजा बयान दिए हैं जिन पर ये हमारे आज के सवाल हैं। राहुल गांधी के ताजा बयान जहां पर उन्होंने ये दावा किया है कि यूपीए की सरकार में भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन सवाल ये कि उस समय सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी बीच चुनाव में ये दावा क्यों कर रहे हैं? क्या पीएम मोदी को पछाड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का लाभ लेना चाहते हैं राहुल गांधी भी? आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस पर अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, तो फोन उठाइए। देश की आवाज बनिए। देश की आवाज एक ऐसा मंच जो आपकी आवाज को बुलंद करता है, तो देर मत कीजिए, फोन कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। पहले दर्शक हमारे साथ चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। क्या है इस पर आपकी राय? मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी पीएम के बारे में क्या बोल रहा है, वो उसके और पीएम के बीच में राजनीति है, मुझे उसमें नहीं पड़ना जी। परंतु जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ वो ये है कि राहुल गांधी कह रहा है कि मैं 22 लाख नौकरियां दूंगा, मतलब कांग्रेस पार्टी। वास्तविकता ये है कि सरकारी नौकरियां मात्र 4 लाख उपलब्ध है, नंबर वन। नंबर टू, 22 लाख नौकरियां ये दे नहीं सकते क्योंकि अन्य राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, 3 राज्यों को छोड़ करके। और नंबर 4, अभी आपके चैनल पर वो एक बच्ची है पंडित जी के पास जाती है और कहती है कि मेरे को नौकरी कब मिलेगी, तो वो पंडित जी झूठ बोलते हैं और वो पंडित जी कह रहे हैं कि जी 24 लाख कांग्रेस नौकरियां दे रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि मैं 4 लाख पे विश्वास करूं, 22 लाख पे विश्वास करूं, या जो विज्ञापन आ रहा है खबरें अभी तक जिसमें पंडित जी कह रहे हैं 24 लाख नौकरियां। तो इस प्रकार भ्रामक और झूठा प्रचार करके जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आज इंटरनेट के युग में लोग बहुत सजग हो चुके हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी या नहीं करी, लोग गूगल पे देख लेंगे, चेक कर लेंगे। परंतु कम से कम चैनल में आप ऐड दे रहे हो, ये तो चेक करो कि आप 22 लाख। चंद्रप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने राय रखी, लेकिन आपको बता दें कि हम हमेशा सच के साथ रहते हैं और हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या अब कांग्रेस को भी सर्जिकल स्ट्राइक का चुनावी लाभ चाहिए? ये हमारा सवाल है। दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा, जो सवाल पूछा है उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो आप फोन कर सकते हैं हमें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। कांग्रेस राज में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बयान दिया है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी पर प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ दर्शक हम पर अपनी राय लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे सिर्फ और सिर्फ सवाल है। अगले दर्शक अमर मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, आपका स्वागत करते हैं खबर अभी तक पर। क्या है इस पर आपकी राय? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके राज्य में सर्जिकल स्ट्राइक आया कोई, जबकि आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। तो ये झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी में दम है तो कोई आरटीआई का पेपर लाए, खाली अपने मुंह से बोलना या खाली बयानबाजी करना, ऐसे इससे कुछ नहीं होता है। और दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि चुनाव आयोग जो है प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर काम करता है, जबकि वो खाली मोदी का पक्ष लेता है। तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को नहीं आता चुनाव के खिलाफ? चुनाव आयोग भी तो सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जो है से बड़ी तो सुप्रीम कोर्ट है ना। इनके इनकी रूपका लियाकत जी है या अनिला कश्यप जी, इसका क्यों नहीं प्रॉब्लम, क्यों नहीं जाते इनके? इनके बात तो कपिल सिब्बल जैसे और अभिषेक मनु सिंह जी जैसे वकील बहुत बड़े बड़े वकील हैं। तो राहुल गांधी बोकस बात कर रहे हैं, फर्जी आदमी है, कुछ नहीं कर रहे ये जी। शुक्रिया जो आपने राय रखी। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगले दर्शक हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा से है। बलदेव, आपका स्वागत करते हैं खबर अभी तक पर। क्या है आपकी राय इस पर?
इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जी, राहुल गांधी और हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों ही झूठे हैं जी। ये कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जबकि कोई हुई नहीं। इधर मोहनलाल खट्टर कहते हैं कि मैंने किसानों को MSP दिया है, जबकि बिल्कुल झूठ है। मैं मेरी खुद की बताता हूँ कि मेरे खेत में 160 क्विंटल सरसों हुई और मैंने बाहर 3400 रुपए में बेची है। ये कहते हैं कि भी हमने एक एक दाना खरीदेंगे, कोई दाना नहीं खरीदते। इन्होंने 50 किस्म की उस पर पाबंदी लगा रखी है और जमींदार उसको पूरी करता है तो उसको 3000 रुपए पड़ती है। तो ये झूठ बोल रहे हैं। मनोहर लाल जो है इसको हराने में, मोदी को हराने में मनोहर लाल का हाथ होगा और उधर कांग्रेस को हराने में राहुल गांधी का हाथ होगा। दोनों के दोनों झूठे जो इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। मनोहर लाल हरियाणा को और राहुल गांधी देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है नेहरू खानदान। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी को और सुप्रीम कोर्ट इनको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। जो जमींदारों के विरुद्ध ये करने लग रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, और इस साइड में राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से के जजों से मैं अपील करता हूं कि इनके विरुद्ध कार्रवाई करें, और चुनाव आयोग से भी अपील करता हूं कि इनके विरुद्ध करें कि या तो ये अपने बयान सच्चे हों और नहीं तो इनको अंदर करें। ये झूठ बोल के जमींदारों को भी गुमराह कर रहे हैं और राहुल देश को गुमराह कर रहा है जी। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी। शुक्रिया बलदेव, जो आपने राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ करनाल से आजाद इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। आजाद, आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सर्जिकल स्ट्राइक का लाभ उठाने के लिए राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं? ये बात ऐसे है मैडम कि ये सेक्रेटरी बातें होती हैं जी। कांग्रेस ने सेक्रेटरी रखी है, इसने मुनादी करा दी मोदी ने। अच्छा, अभी एक श्रीमान जी बोल रहा था कि भाई 4 लाख नौकरियां, 22 लाख कहाँ से देगा? मोदी ने तो 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल होती थी, वो करोड़ कहाँ से आई? अभी एक श्रीमान जी बोल रहा था कि भाई 4 लाख तो नौकरियां है, कांग्रेस 22 लाख कहाँ से देगी जी। शुक्रिया जो आपने राय रखी। और अगले दर्शक हमारे साथ पलवल से सतीश जुड़ चुके हैं। सतीश, आपका स्वागत करते हैं खबर अभी तक पर। क्या है आपकी राय जी? सतीश, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? हाँ जी। क्या राय है आपकी? कांग्रेस देखिए, पहले जो मजबूत रहती थी कांग्रेस, आज वो स्थिति नहीं है जी। जब से राहुल गांधी अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से तो कांग्रेस की नैया डूब ही रही है। हालांकि तीन राज्यों में चुनाव जीती है कांग्रेस, लेकिन इसके बावजूद जो कि अब चुनाव चल रहे हैं तो कांग्रेस का लगभग वो नहीं है जो पहले दबदबा रहता था जी। शुक्रिया सतीश जो आपने राय रखी। अगले दर्शक अमित नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। क्या है आपकी राय इस पर? इसमें जो है राहुल गांधी जी और पहले विपक्ष सारा जो था वो ये कह रहा था कि जब मोदी जी के सामने और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि ये सबूत दो, अभी एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगे। अब जब ये देख रहे हैं कि जनता इनके साथ हो रही है तो ये अपने भी ये झूठे सबूत लेके आ रहे हैं कि हम जो है ये वो कर रहे हैं। इनके सिद्धू और मणिशंकर अय्यर और उनके साथी जो है स्मिता शर्मा, समीर अब्बास और रोमैना एसआर खान, ये भी जो सब ये टुकड़े वो कन्हैया कुमार के साथ सब खड़े होते हैं जाके, एक तरह से कुकड़े कुकड़े गैंग के सदस्य हैं ये लोग, और ये जो देश को गुमराह कर रहे हैं झूठ बोल के जी। शुक्रिया अमित जो आपने राय रखी। और अगले दर्शक पप्पू नंबरदार भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो बीजेपी सरकार जो है, ये प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी इसने बोलना नहीं आता, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है इसकी। जब ऊपर सेंटर में तो बीजेपी और हरियाणा में जो खट्टर सरकार है ये भी कामयाब नहीं है जी। नए खट्टर सरकार कामयाब है, नए कांग्रेस सरकार कामयाब है। तो यहाँ जो ये नई बीजेपी आई है, साउथ देवीलाल का जो सेंटर टाला जो ये पोता आया है जी, ये ही अपना हरियाणा का भला कर सकता है और बाकी कोई भला नहीं कर सकता। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये युवा लड़का है दुष्यंत, इसको जो है ना पूरा सहयोग और साथ दें और नए चेहरे को देखें जी। शुक्रिया पप्पू जो आपने राय रखी।
तो आज के सवाल, कांग्रेस ने उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया जो आज कांग्रेस दावा कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी यूपीए गवर्नमेंट ने की थी? क्या मोदी को पछाड़ने के लिए इस दावे का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या अब कांग्रेस को भी सर्जिकल स्ट्राइक का चुनावी लाभ चाहिए? राम सचदेवा कुरुक्षेत्र से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सचदेवा, आपका स्वागत करते हैं खबर अभी तक पर। क्या है इस पर आपकी राय? नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे जैसे दिन आता जा रहा है, ये देखता ही अगर इतने झूठ बोलने लग जाएगा और आम आदमी का क्या हाल होगा जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मनमोहन जी जो हमारे सीएम है, 5 मिनट पहले ही आपके टीवी पर चैनल पर बात होती गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। कह लगा गैस सिलेंडर तो जितना मर्जी जैसे मर्जी हम अपने अपना नहीं मिलता तो दूसरा अपने घर से दूसरा को उठा कर दे देंगे। क्या ये इतने आसान काम है? इतना वो काम है? ये सिर्फ अगर नेता ही ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक अगर नेता ही अगर झूठ बोलने लग गए तो आम आदमी का क्या हाल होगा? ऐसा मैं नहीं सोचा था, ऐसा हम मेरी भी 72 साल की उम्र है, विजिलेंस डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, आज तक हमने भी कई इलेक्शन देखे हैं, कई वो देखे हैं, पर ऐसा झूठ नहीं हो, सच बोलो तो पार लगो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। जी शुक्रिया राम सचदेवा, जो आपने राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ कमल जीत पंजाब से जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है कमल, खबरें अभी तक पर, क्या है आपकी राय? मैडम जी, हमारी राय जो शाम को सारे चैनलों पर डिबेट होती है जी, उस पर झगड़ा इतना क्यों होता है? एक ही बात सुनो ना, कांग्रेस की तो सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो जी, उसको उसको चलता है, वहाँ झगड़ा होता है, दूसरे का मैक पकड़ते हैं, दूसरा बोलता है, ये क्यों हो रहा है जी? जो बाकी सेना का काम है सेना कर रही है, सेना को क्यों बीच में घड़ीस रहे हैं ये लोग जी? शुक्रिया कमल जी, जो आपने राय रखी। लेकिन दर्शकों से एक बार फिर से मेरा यह अनुरोध, हमारा आज का मुद्दा है जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर आपके पास इसको इससे जुड़ी हुई कोई राय है तो आप जरूर देश की आवाज के इस मंच पर आप रख सकते हैं। आज का सवाल हमारा ये कि क्या आप कांग्रेस को भी सर्जिकल स्ट्राइक का चुनावी लाभ चाहिए, यह हमारा आज का सवाल है। राहुल गांधी ने ताजा बयान दिया है, कहा है कि यूपीए गवर्नमेंट में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन सवाल यह कि उस समय ब्यौरा क्यों नहीं पेश किया गया? अगले दर्शक हमारे साथ बीर प्रकाश चरखी दादरी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है बीर, आपका भी खबर है अभी तक पर, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नमस्कार जी मैडम। नमस्कार। मैं मैडम दो बातें कहना चाहूंगा जी। नंबर एक तो जी, सरकारों का जो काम है जी, उन मुद्दों पर कम से कम मीडिया तो फोकस कर सकता है और इधर उधर की बातों पर कोई बहस ना चला के जी, और उन मुद्दों पर फोकस रखे कि वास्तव में किस सरकार ने क्या काम किया है 1950 से आज तक के हर 5 साल के कामों पर एक ओपिनियन बनाए मीडिया जी, तो मेरे ख्याल में उसको कोई नहीं रोक सकता जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछला इलेक्शन भी ये इलेक्शन भी मुद्दों से हटके मीडिया एक स्वयं एक ओपिनियन तैयार कर रहा है जी, एक लोगों की ओपिनियन जान पूछ के मीडिया के माध्यम से बनाई जा रही है, तो ये मैं तो मेरी मीडिया से शिकायत है जी। वीर शुक्रिया जो आपने राय रखी, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि खबरें अभी तक की ओर से लगातार सांसदों के द्वारा किए गए कामों को भी हम दिखा रहे हैं। अगले दर्शक चेन्नई से प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है प्रेम, आपका खबर अभी तक पर, आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां जो बोलती है हेयर स्ट्राइक हमने की, अब कांग्रेस बोल रही है हमने की, हेयर स्ट्राइक करने से क्या है, हमारे सैनिकों को इसका सम्मान जाना चाहिए जी। अब मोदी जी बारी बारी बोल रहे हैं कि रात में वो बोलते हैं मोदी ने मार डाला, अब कांग्रेस आके बोलेगी पहले हमने मार डाला, ये क्या है? ये देश को बिगाड़ा जा रहा है मैडम, हमारी सेना का अपमान ये दोनों पार्टियां कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को समझना चाहिए कि वो कभी ये बातें नहीं बोले कि हेयर स्ट्राइक हमने की, उनको कहना चाहिए ठीक है परमिशन देना उनका है, उनके पास पावर है कि वो परमिशन दे सकती है सैनिकों को कि आप जाइए आगे बढ़िए, क्योंकि लास्ट उनकी इंस्ट्रक्शन पर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे सैनिक हमारे वो कमांडर जो भी है वो सब जानते हैं हमको क्या है। शुक्रिया प्रेम जो आपने ये राय रखी। तो हमारा आज का मुद्दा था राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दावा किया है कि यूपीए सरकार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की है।